दोस्तों सुपर संडे का पहला मुकाबला जो कि चेन्नई सुपर किंग वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के ही ग्राउंड, अपने ही होम ग्राउंड चेन्नई के एमसीए चिदंबरम स्टेडियम में। और आपको पता दोस्तों जिस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग लास्ट मुकाबला हार के आ रही है राजस्थान रॉयल्स से, इसका दोस्तों पंजाब किंग्स भी लास्ट मुकाबला हार के आ रही है, वो एक बड़ी हार दोनों को कही जाएगी। दोस्तों एक मैच में दोस्तों दोनों टीमें दोस्तों चेस करके जीत नहीं पाई, चाहे वो चेन्नई हो या पंजाब हो। और पंजाब के मैच में तो आपको पता ही दोस्तों कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे हाईएस्ट टीम टोटल स्कोर बना दिया दोस्तों पंजाब किंग्स के खिलाफ, जिसे पंजाब दोस्तों चेस नहीं कर पाया और मात्र 200 पे ही दोस्तों पूरी टीम इसकी लुढ़क जाती है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों टीमें दोस्तों इस मुकाबले को जीतना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों चेन्नई सुपर किंग थोड़े अच्छे पॉइंट्स टेबल पर काफ़ी अच्छे पायदान पर है, पंजाब किंग्स दोस्तों थोड़े से बुरे पायदान पर। दोस्तों दोनों टीमें मैं से अभी किसी का भी बुरा हाल नहीं है, तो दोनों टीमें दोस्तों इस मैच में जीतना चाहेगी। तो बिग पिक्चर क्या देखने को मिल सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि कैन द किंग्स स्टॉर्म सीएसके वॉरियर्स, यानी चेन्नई सुपर किंग और पंजाब किंग्स, और जो है वो हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट से हार कर आ रही है, यानी अगली टीम ने हाई स्कोर बनाया था, दूसरी टीम उसे चेस नहीं कर पाई थी, तो इस प्रकार से आ रही है। लाइक राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल चला, जिससे दोस्तों चेन्नई सुपर किंग उस मुकाबले को जीत नहीं पाई थी, और लाइक की धोनी भी उस मुकाबले में बैटिंग करने उतर नहीं सके थे, तो उसका भी थोड़ा सा मजाक रहेगा महेंद्र सिंह धोनी को, अगर वो पहले बल्लेबाजी करने आ जाते तो शायद चेन्नई सुपर किंग उस मुकाबले को जीत जाती, बट दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक तरफ दोस्तों पंजाब किंग्स की तरफ से फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, कप्तानी अच्छी नहीं हुई, जिस कारण दोस्तों पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बहुत बड़ा बिग स्कोर टोटल खा कर दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। और इसके अलावा दोस्तों उसकी तरफ से बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं हुई, अगर शिखर धवन थोड़ा सा चल जाते और बल्ला उनका चल जाता तो जाहिर सी बात है कि पंजाब उस मुकाबले में वापसी कर सकता था, पर दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो देखने वाली बात होगी क्या होता है। तो ये मुकाबला दोस्तों ये आपको बता दिया चेन्नई सुपर किंग के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा, और जाहिर सी बात है यह ग्राउंड में दोस्तों हाई स्क्रीन वेन्यू देखा गया इस सीजन, और जाहिर सी बात है कि यहाँ स्पिनर को भी आपको मदद मिलता हुआ दिख सकता है, चाहे वो क्या बोलते हैं राहुल चाहर हो, चाहे वो मोइन अली हो, या चाहे वो मिचेल सेंटन भी शायद आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा यहाँ स्पिनर को मदद मिलता है, और यहाँ जो है स्ट्राइक रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है स्पिनर के खिलाफ, और लगभग 20 का एवरेज भी रहता है स्पिनर के खिलाफ। तो देखने वाली बात होगी किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया जाता है दोस्तों। तो फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाली है दोनों टीम के टीम न्यूज़ क्या है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसके की तरफ से दोस्तों आपको बता दें कि स्टोक्स और चाहर के अभी कुछ भी खेलने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको बता दोस्तों स्टोक्स से मात्र 2 ही मैच चेन्नई सुपर किंग की तरफ से अभी तक खेला है, और उसके अलावा दोस्तों कोई मुकाबले में नज़र नहीं आया कौन स्टोक्स और चाहर। तो हो सकता है कि चाहर और स्टोक्स अभी वापसी करने में काफ़ी समय लगेगा इन दोनों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों धोनी जिस प्रकार से बल्लेबाजी नहीं करने आते, तो ऐसा नहीं लगता कि उनके उसके रहने या रहने से सिर्फ वो कप्तानी में साथ देते हैं, बाकी उनका टीम में कोई रोल नहीं, बैटिंग में कोई रोल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों डेमन कॉर्मर और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे, वन डाउन अजिंक्य रहाणे होंगे, फिर मोइन अली होंगे दोस्तों, फिर शिवम दुबे होंगे, अंबाती रेड्डी होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, एमएस धोनी होंगे, मथिशा पथिराना होंगे, तुषार देशपांडे होंगे, और महेश दीक्षाना होंगे। बारवा खिलाड़ी दोस्तों आकाश सिंह होंगे, अगर पहले बॉलिंग करती है चेन्नई सुपर किंग तो आकाश सिंह टीम में शामिल होंगे, अगर पहले बैटिंग करती है तो अंबाती रेड्डी टीम में शामिल होंगे। तो ये रहने वाली है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11। इसके दोस्तों जहां तक बात की जैसे पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की, तो शिखर धवन बल्लेबाजी करेंगे प्रभाव सिमरन सिंह के साथ, अगर पहले बल्लेबाजी करती है टीम तो प्रभाव सिमरन सिंह के साथ जाएगी, अगर पहले बॉलिंग करती है तो हरप्रीत बरार के साथ जाएगी। तो वन डाउन आएंगे दोस्तों अथर्व ताडरे, जिसने पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा शानदार पारी खेली थी 66 रन की। इसके अलावा सिकंदर रजा होंगे, इसके अलावा लियाम लिविंगस्टोन होंगे, सैम करन होंगे, जितेश शर्मा होंगे, शाहरुख खान होंगे, कजिस्को रावाडा होंगे, राहुल चाहर होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे, और हरप्रीत बरार होंगे। तो देखिए वाली बात होगी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है पंजाब किंग्स से। तो अब बात कर लेते हैं पिच और कंडीशन क्या रहने वाली है। तो ह्यूमिडिटी असाइड पार्टिकुलर कूलर कंडीशन एंड सम रेन फोरकास्ट फॉर चेन्नई सुपर किंग, तो थोड़ा बहुत बारिश की आशंका है कि यहाँ बारिश पड़ सकती है। तो देखने वाली बात होगी बारिश थोड़ा बहुत खलल डाल सकती है मैच में, और उतना खलल नहीं डालेगी दोस्तों। और आपको पता है कि यहाँ के पिचों में आपको स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद मिलते हुए दिख सकती है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ आपको हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। जो भी यहाँ टॉस टीम जीतेगी पहले बैटिंग ही करना पसंद करेगी, अगर कोई भी टीम यहाँ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है और एक हाईएस्ट टोटल टीम के खिलाफ खड़ा कर देती है तो यहाँ चेस करना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी टीम के लिए।
तो कुछ स्टेटस एंड फैक्ट्स की जहाँ तक बात की जाए तो अर्शदीप सिंह का रुद्राज गायकवाड़ के खिलाफ काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, लगभग 13 बॉल डालकर 2 बार आउट किया है अर्शदीप सिंह ने रुद्राज गायकवाड़ को इस IPL में। इसके बाद दोस्तों रबाडा ने दोस्तों 4 मैचों में दोस्तों दो बार रबाडा ने भी आउट किया किसको, रुद्राज गायकवाड़ को। इसके बाद दोस्तों लियाम लिस्टोन का जो है वो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों फेस का IPL में, तो जाहिर सी बात ये फेस को अच्छा खेलते हैं और स्पिनर के खिलाफ इसका थोड़ा बहुत रिकॉर्ड खराब है। इसके दोस्तों CSK के बॉलर जो है वो पावर प्ले में ज़्यादा रन पिटवा रहे हैं, लगभग हर ओवर में दोस्तों ये 10 रन दे देते हैं पावर प्ले में। तो चेन्नई सुपर किंग के फास्ट बॉल में उतना दम नज़र नहीं आता पावर प्ले में, तो जाहिर सी बात है कि पावर प्ले में पंजाब किंग्स थोड़ा बहुत प्रहार कर सकती है किसके ऊपर, चेन्नई सुपर किंग के ऊपर। इसके दोस्तों और लोएस्ट विकेट ओपनिंग विकेट जो है वो एवरेज काफ़ी ज़्यादा खराब है, यानी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो चेन्नई सुपर पंजाब किंग्स का काफ़ी ज़्यादा खराब नहीं रहा है इस सीजन, लगभग 17 का ही एवरेज से ये पहली विकेट की साझेदारी इन कोई भी खिलाड़ी के बीच होती है दोस्तों। तो सवाल उठता है ये मुकाबला जीते या कौन, मैच प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, यह मुकाबला जीते या कौन, तो मेरे कौन दोस्तों ये मुकाबला कहाँ खेला जा रहा है, चेन्नई सुपर किंग में, यानी चेन्नई में खेला जा रहा है, MC चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है और चेन्नई के ग्राउंड में महेंद्र सिंह धोनी को हराना वो भी नामुमकिन होता है और यहाँ धोनी के जीतने का चांसेस लगभग 75% होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ महेंद्र सिंह धोनी का जीतना 99% कन्फर्म है दोस्तों, और मैं जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही जाऊँगा। मुझे लगता है कि इस मैच में दोस्तों रुद्राज गायकवाड़ का बल्ला फोलेगा और रुद्राज गायकवाड़ इस मैच में बम फोड़ेगा, जिस प्रकार दोस्तों पिछला मेरा मैच प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुआ था, गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को जीतेगा तो पक्का गुजरात टाइटंस उस मुकाबले को जीता दोस्तों। तो देखने वाली बात होगी यह मुकाबला कौन जीतता है, एक तरफ दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी है तो दूसरी तरफ दोस्तों इंडिया के सबसे शानदार ओपनर और कैप्टेंस बेस्ट कैप्टेंसी के बीच आज मुकाबला देखने को मिलेगा आपको, महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस शिखर धवन यानी गब्बर वर्सेस माही, तो काफ़ी देर मुकाबला टक्कर देखने को मिल सकता है आपको कहाँ, MCA चिदम्बरम स्टेडियम में, तो किसका ज़्यादा बल्ला बोलेगा वो देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिप बाय।